हरियाणा में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा M3M ग्रुप के बाद अब IREO ग्रुप के चेयरमैन ललित गोयल को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि ये M3M और IREO ग्रुप के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में निलंबित CBI जज का मामला है। इससे पहले एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा पूर्व CBI जज के खिलाफ M3M बिल्डर और IREO को फायदा पहुंचाने के तहत भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद ईडी द्वारा मामले में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर एक मामला दर्ज किया गया जिसकी जांच अभी तक चल रही है। अब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा IREO ग्रुप के चेयरमैन ललित गोयल को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में पहले भी M3M के बसंत बंसल, पंकज बंसल और पूर्व CBI जज के भतीजे की गिरफ्तारी हो चुकी है। ईडी द्वारा IREO के चेयरमैन ललित गोयल को पंचकुला की ईडी कोर्ट में पेश किया गया। इस मामले में पूछताछ के लिए ईडी कोर्ट से रिमांड की मांग करेगी। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।